मोदी की कोरोना महामारी को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही है मैराथन बैठक। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद पांचवीं बार पीएम कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों से संवाद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री ने पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए वीडियो किया शेयर। वंदे मातृ मिशन के तहत हरियाणा के 86 लोगों को लाया गया वापस। सभी को 14 दिनों का क्वारंटाइन समय समाप्त होने पर भेजा जाएगा घर। और आईसीएमआर ने पीजीआई चंडीगढ़ और सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाद सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ को कोरोना वायरस के जांच की सौंपी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना महामारी को लेकर बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कोरोना वायरस शुरू होने के बाद ये प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवीं ऐसी बैठक है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि 1998 के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की सभी देशवासियों को बधाई। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा कि इस अवसर पर हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में वैज्ञानिक समुदाय के अतुलनीय योगदान की सराहना करते हैं। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समावेशी विकास के प्रमुख माध्यमों के रूप में देखते हैं। हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विद कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के मोर्चे पर जिस प्रकार युद्धरत हैं, उस पर सभी देशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया को कोविड-19 से मुक्त बनाने के प्रयास में तकनीक बहुत मददगार रही है। मैं कोरोना वायरस को हराने के लिए नए तरीकों पर अनुसंधान और नवाचार में आगे रहने वालों को सलाम करता हूं। इस ग्रह को और भी स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने परमाणु परीक्षण को याद करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी साझा की। 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था। उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, 11 मई 1998। भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसे 20 वर्ष हो रहे हैं और ये परीक्षण भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। भारत का परीक्षण सफल रहा और एक तरह से कहें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हम कह सकते हैं कि वो दिन भारत के इतिहास में उसकी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में अंकित है। भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिखाया है इनर स्ट्रेंथ, अंतर्मन की शक्ति शांति के लिए आवश्यक है। इसी तरह जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं तो आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। मई 1998 का महीना देश के लिए सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है इस महीने में परमाणु परीक्षण हुए, बल्कि वो जिस तरह से किए गए थे वो महत्वपूर्ण है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्र दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज जब हम 11 मई 1998 उसका 20वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, तब भारत की शक्ति के लिए अटल जी ने जो जय विज्ञान का हमें मंत्र दिया है, उसे आत्मसात करते हुए आधुनिक भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए हर युवा योगदान देने का संकल्प करें, अपने सामर्थ्य को भारत के सामर्थ्य का हिस्सा बनाएं। देखते ही देखते जिस यात्रा को अटल जी ने प्रारंभ किया था, उसे आगे बढ़ाने का एक नया आनंद, नया संतोष हम भी प्राप्त कर पाएंगे।
कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के 86 लोग अभी तक वापस लौटे हैं। सभी लोगों का एयरपोर्ट पर हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें वे स्वस्थ पाए गए। इन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा और क्वारंटाइन का समय खत्म होते ही उन्हें अपने घर भेज दिया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत हरियाणा के नोडल अधिकारी हनीफ कुरैशी, IG पुलिस ने बताया कि कुरुक्षेत्र, रोहतक, रेवाड़ी व सोनीपत जिलों के एक एक लोग, पलवल जिले के 2, मेवात जिले के 3, अंबाला, हिसार, पानीपत, सिरसा व यमुनानगर के 4-4 लोग, जींद व कैथल जिले के 5, फरीदाबाद व करनाल के 9 और गुरुग्राम के 29 लोग स्वदेश लौटे हैं। जो 2 वीक्स का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, वो क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। इसके अंदर हरियाणा सरकार ने 2 तरह की सुविधा दी है। एक तो जो लोग होटल्स में रहना चाहते हैं वो कुछ चिन्हित होटल्स में रह सकते हैं ये 2 हफ्ते के लिए, और जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री क्वारंटीन की सुविधा भी गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर की गई है। चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों में पहले कोरोना वायरस की जांच पहले सिर्फ PGI चंडीगढ़ और सरकारी मेडिकल कॉलेज कर रहे थे। अब COVID-19 के जांच की जिम्मेदारी ICMR ने CSIR सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ को भी सौंपी है। इमटेक की पूर्ण जांच शुरू होने से कम समय लग रहा है और खर्च भी कम हो रहा है। निदेशक डॉ. संजीव खोसला ने बताया कि चंडीगढ़ में पहले सिर्फ 2 जांच सेंटर थे, तब इमटेक को तीसरा सेंटर बनाया गया है और हम हरियाणा व पंजाब से भी COVID-19 के जांच के सैंपल ले रहे हैं। पहले सिर्फ 2 टेस्टिंग सेंटर्स थे चंडीगढ़ में, अब हमारी वजह से ये कैपेसिटी बिल्ड हुआ है थोड़ा सा चंडीगढ़ में, और हम पंजाब और हरियाणा के भी सैंपल्स ले रहे हैं, तो उनको भी मदद हो रही है टेस्टिंग करने में, क्योंकि अब हम ना केवल कॉन्टैक्ट्स बट कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स की भी सैंपलिंग कर सकते हैं, तो उससे फायदा है इसके मिटिगेशन में। इमटेक के प्रिंसिपल साइंटिस्टों ने बताया कि इमटेक चंडीगढ़ लेबोरेटरी के कर्मचारी सभी सुरक्षा और नियमों का पालन करते हुए COVID-19 के सैंपलों की जांच कर रहे हैं। बस तो स्वाब सैंपल लेके हम पहले उसको इधर लेबोरेटरी में लाते हैं, लेबोरेटरी में आके हमारा जो स्टूडेंट्स एंड मैन पावर है उधर से उधर RNA आइसोलेट करते हैं, द सेम RNA देन वी गिव फॉर इन RT-PCR रिएक्शन, जो एक्चुअली स्टैंडर्ड ऐसे है अभी कोविड टेस्टिंग के लिए। ये एक विशेष प्रयोगशाला है जहाँ पर हम हमारे सभी कर्मचारी बायोसेफ्टी का ध्यान रखते हुए बायोसेफ तरीके से कोरोना वायरस की टेस्टिंग में लगे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने कल से रेल परिचालन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में देश के अलग अलग 15 मार्गों पर रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। शुरुआत में केवल AC ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग अब से कुछ देर पहले शुरू की गई है। टिकट केवल ऑनलाइन IRCT वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई भी काउंटर टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किया जाएगा। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यात्रियों को स्क्रीनिंग करानी होगी। कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने पर ही ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाएगी। परिचालन को सुचारू करने के लिए अगले चरण में धीरे धीरे देश के दूसरे शहरों के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500-500 रुपए की किश्तें जरूरतमंदों के खातों में डाली जा रही हैं। भिवानी जिले के लाभार्थियों ने बताया कि सरकार द्वारा उनके खातों में धनराशि डाली जा रही है, जिससे उन्हें अपना खर्च चलाने में मदद मिल रही है। उन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। जिले की ग्रामीण बैंक शाखा के प्रबंधक अनिल कुमार ने बताया कि बैंक के माध्यम से क्षेत्र के 1938 खाताधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 9,76,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते उनमें लगभग 1938 अकाउंट हमारे पास है, जिनमें लगभग 9,76,000 रुपए के आसपास राशि आई है, और ये वितरण हम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। डेली बेसिस पे इनको अलॉटेड है नंबर, जैसे 0 और 1 दिन को पहले दिन, फिर 2 और 3, फिर 3 और 4, ऐसे पर डे निकालते हैं पैसे। 500 रुपये भेजे हैं जी, खर्चा के लिए भेजे, चाची नहीं मंगाओगे अपना खर्चा का डांगे, बहुत अच्छा काम कराया है। मोदी जी ने 500 रुपये डलवाए जी, हमने बहुत अपनी उन्हें रक्षा करी, हमने कटवाने के लिए मार वो कराया है जी।
वैश्विक महामारी कोरोना पर रोक लगाने के लिए आयुष विभाग शोध कर रहा है। हरियाणा के जींद जिले के आयुष विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी संदीप गोयल ने बताया कि प्रदेश के नलहड़ा अस्पताल को कोरोना अस्पताल घोषित किया गया है, जिसमें रोगियों का इलाज एलोपैथिक दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा से भी किया जा रहा है और परिणाम के लिए 30 दिन की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों की किट वितरित की जा रही है। वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि जिले में अभी तक लगभग 5,000 किटें वितरित की जा चुकी हैं। एक प्रोटोकॉल बनाकर रिसर्च की जा रही है कि भी और 30 दिन का समय दिया गया है, उसमें दो दवाइयां दी गई हैं और पेशेंट्स के दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक को कम्प्लीटली एलोपैथिक पे रखा गया, दूसरे में एलोपैथिक प्लस आयुर्वेदिक दवाइयां रखी गई। इस तरह से उनका फिर कंपेयर किया जाएगा कि उनमें ठीक होने का रेट किसका ज़्यादा है। इस तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों पर भी रिसर्च चल रही है कोरोना केसेज के। जिला जींद में लगभग 5,000 किटें आयुर्वेदिक की, जिसमें अणु तेल और गिलोय घनवटी है, वो हमने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटी है। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लागू लॉकडाउन श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना काफी कारगर सिद्ध हो रही है। रेवाड़ी जिला प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों को श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के आधार पर कार्य करवाया जा रहा है। बांसगांव के सरपंच गुलशन ने बताया कि जिले में मनरेगा का कार्य फिर से शुरू होने पर श्रमिक खुश हैं। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनको आर्थिक परेशानी हो रही थी, सरकार द्वारा मनरेगा का कार्य दोबारा शुरू किए जाने से उन्हें काफी राहत मिली है। मनरेगा मजदूर खेतिहर सभी, कल 21 आदमी लग रहे थे, आज 48 आदमी है। इस संकट की घड़ी में सरकार ने मजदूरों का बहुत सहयोग किया है। अगर आगे भी मनरेगा का काम करवाना चाहती है तो मजदूर यहाँ के लिए तैयार है। सरकार ने मनरेगा के द्वारा हमें काम देकर बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने पहले 282 रुपये मजदूरी दी थी, अब 309 रुपये बढ़ाकर बहुत अच्छा काम किया है। हम बेरोजगार थे, इससे हमें बहुत फायदा हुआ। सरकार हमें 282 रुपये दे रही थी पहले दिन की दिहाड़ी, आज सरकार ने हमें 309 रुपये देने लग रही है और इससे हमें बहुत खुशी हुई यहाँ काम करके, और इससे सरकार का मैं शायद दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना महामारी को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही है मैराथन बैठक। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद पांचवी बार पीएम कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों से संवाद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री ने पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए वीडियो किया शेयर। वंदे भारत मिशन के तहत हरियाणा के 86 लोगों को लाया गया वापस, सभी को 14 दिनों का क्वारंटाइन समय समाप्त होने पर भेजा जाएगा घर। और ICMR ने और PGI चंडीगढ़ और सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाद सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ को कोरोना वायरस की जांच की सौंपी जिम्मेदारी। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।